हेलो गाइस, स्वाग गेमिंग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो TH8 का ट्रूप्स अपग्रेड के बारे में, कि TH8 में कौन सा ट्रूप्स आपको पहला करना है। तो वार का जो भी अटैक रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं ट्रूप्स का जो अपग्रेड प्रायोरिटी लिस्ट है वो मैं बता रहा हूँ। तो TH8 में जो पहला ट्रूप्स आपको करना है, देखिए तो TH10 का बेस है, लेकिन मैं जो ट्रूप बता रहा हूँ वो सब TH8 में ही आप अपग्रेड जो करना है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, पहला जो ट्रूप्स है आपको, जो आप देखिए ट्रूप्स आपका पर्सनल चॉइस है। आप अगर वॉर नहीं खेलते तो फिर इसका इसमें जो प्रायोरिटी लिस्ट बताया जा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर ट्रॉफी ट्रॉफी पुशिंग करते हैं, ये तो आपका पर्सनल चॉइस रहेगा कि आप कौन सा ट्रूप से ज़्यादा अटैक करेंगे। तो इस पर डिपेंड करता है आप ट्रूप्स कौन सा अपग्रेड करेंगे या नहीं, ठीक है। तो आप अगर वार का प्लेयर है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप ये वीडियो आराम से देख सकते हैं और ये शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही रहेगा। तो पहला जो ट्रूप्स है TH8 में, पहले ही TH8 में आते ही लेबोरेटरी अपग्रेड करने के बाद कर लेना चाहिए, वो है ड्रैगन। जी हाँ, ड्रैगन लेवल 2 से लेवल 3 होगा TH8 में, तो ड्रैगन आप अपग्रेड कर लीजिए पहले ही आते हैं। कि ट्रूप्स का अपग्रेड जो है जो बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप वॉर का जो ट्रूप्स कॉम्बिनेशन है या फिर ट्रॉफी पुशिंग का TH8 में जो ट्रूप कॉम्बिनेशन है वो आप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं इन सभी ट्रूप को पहले करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ड्रैगन आप पहले अपग्रेड कर लीजिए। ड्रैगन के बाद सीधे आ जाइए आप लाइटनिंग स्पेल पर। यहाँ लाइटनिंग स्पेल पर सीधे आ जाइए। लाइटनिंग स्पेल लेवल 4 से लेवल 5 होगा, तो लाइटनिंग स्पेल आप अपग्रेड कर लीजिए ड्रैगन की बात है, क्योंकि ड्रैगन और लाइटनिंग के जरिए ही हम लोग वॉर में 3-स्टार लाएंगे, पे भी यूज़ करेंगे, सब कुछ यूज़ करेंगे, तो सभी इसी हिसाब से चलेगा। आप सब अपग्रेड जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप देखते जाइए। आप अगर बिगिनर है तो ऐसे ही अपग्रेड करते जाइए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लाइटनिंग के बाद सीधे आ जाइए डार्क ट्रूप हॉक्स पे। जी हाँ, हॉक राइडर से बहुत ज़्यादा अटैक होता है TH8 में, तो अब हॉक आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हॉक अटैक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हॉक आपका अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है, तो अब हॉक्स अपग्रेड कर लीजिए। हॉक्स की बात आई है भालकड़ी पे। भालकड़ी TH8 में बहुत ही अच्छा एक ट्रूप है। TH8 से शुरू होता है, TH8, 9, 10 सभी में बहुत अच्छा काम करता है भालकड़ी। तो भालकड़ी आप अपग्रेड कर लीजिए TH8 में, शायद लेवल 2 ही होगा, तो लेवल 2 का भालकड़ी TH8 के लिए ठीक ठाक है एकदम। तो भालकड़ी आप अपग्रेड कर लीजिए, दो एक ही अपग्रेड लेगा TH8 में, तो भालकड़ी अपग्रेड कीजिए। और इन सभी ट्रूप्स को जो मैं बता रहा हूँ उन सभी को जिंदा रखने के लिए मास्ट है हीलिंग स्पेल। तो भालकड़ी के बाद ही आप लोगों का अपग्रेड जो करना पड़ेगा वो है हीलिंग स्पेल। हीलिंग स्पेल जब भी अपग्रेड हो जाए तब आप आ जाइए इधर विजार्ड पे। जी हाँ, विजार्ड का पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, लेवल 4 से लेवल 5 होता है, तो विजार्ड का पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है जब भी विजार्ड लेवल 5 में आता है। तो ये आपको ट्रॉफी पुशिंग में भी सहायता करेगा और वार में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो विजार्ड सब अपग्रेड कर लीजिए। विजार्ड के बाद सीधे आइए जायंट पर। जायंट्स तो आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा, लेवल 4 से लेवल 5 ही होगा, लेकिन जो एक लेवल का जो इंक्रीज़ है वो ही बहुत ज़्यादा है। तो आप जायंट्स अपग्रेड कर लीजिए, ट्रॉफी पुशिंग में सहायता करेंगे। वार में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन आपको ट्रॉफी पुशिंग में या नॉर्मल जो अटैक तो आपको करना ही है, नहीं तो ये सब जो एलिक्सियर, डार्क एलिक्सियर या फिर गोल्ड जो आपको जरूरी है वो तो नहीं मिलेगा। तो जायंट आप अपग्रेड कर लीजिए। जायंट अपग्रेड करने के बाद सीधे आइए आप पिकअप पर। जी हाँ, पेक का एक बहुत ही मैसिव ट्रूप्स है, ठीक है, बहुत ही मैसिव ट्रूप्स है आपके TH8 में जो भी अटैक रहेगा उसके लिए। पेक का बहुत ही अच्छा ट्रूप्स है, तो पेक का अपग्रेड कर लीजिए। कोई कोई लोग जो गोवाई पे अटैक होता है वो नहीं करता पेक का से, लेकिन पेक का लेकर बहुत सारा अटैक होता है, सिर्फ गोवाई भी नहीं, तो पेक का आप ज़रूर अपग्रेड करें। पेक का 2 अपग्रेड लेगा, लेवल 2 एंड लेवल 3 होगा, तो लेवल 3 जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, क्योंकि लेवल 1 एंड लेवल 2 पेक का उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो पिक के बाद आइए गोलेम पर। गोलेम भी लेवल 2 होगा, तो गोलेम आप अपग्रेड कर लीजिए। किसी भी वार्ड में अटैक करते जाइए आप, आपको गोलेम बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक है। ट्रॉफी पुशिंग में भी आप गोलेम यूज़ कर सकते हैं, तो गोलेम आप अपग्रेड कर लीजिए। गोलेम के बाद सीधे आइए वो जब अटैक आप ग्राउंड अटैक करेंगे तब देता है जो वॉल है उसको ब्रेक करने के लिए वॉल ब्रेकर, ठीक है, वॉल ब्रेकर अपग्रेड कर लीजिए। क्योंकि आप अगर TH8 मैक्स करने के बाद वार खेलेंगे तो फिर आपको तो वार में जो बेस है वो भी मैक्स ही मिलेगा ना, तो इसके लिए वॉल ब्रेकर आपको बहुत जरूरी है अपग्रेड करना, चाहे वो आप नॉर्मल अटैक कर रहे हो या फिर आप जो भी वार में अटैक कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो वॉल ब्रेकर अपग्रेड कर लीजिए। वॉल ब्रेकर के बाद आइए लून में। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि लेवल 4 से लेवल 5 ही होगा, लेवल 5 का लून
ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ लेवल 4 से तो अच्छा है और आपका लून भी शायद काम में आ जाए, क्योंकि मेजर जो ट्रूप से हो तो अपग्रेड हो ही गया। ठीक है, तो लून आप अपग्रेड कर लीजिए, क्योंकि ये कभी कभार वॉर में काम आ जाता है। तो लून्स आप अपग्रेड करने के बाद सीधे आ जाइए रेज स्पेल पर। जी हाँ, रेज स्पेल बहुत ही अच्छा स्पेल है, तो रेज स्पेल आप ज़रूर अपग्रेड करें, क्योंकि रेज स्पेल को आप चाहे तो लून के पहले भी अटक अपग्रेड कर सकते हैं, लून के पहले भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन रेज स्पेल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप रेज स्पेल अगर बाद में करेंगे तो भी, क्योंकि रेज स्पेल थोड़े ही देर के लिए यूज़ होता है और उतने ही में आपका अगर अटैक ठीक ठाक रहे तो काम कर जाता है। तो रेज स्पेल आप अपग्रेड कर लीजिए। रेज स्पेल अपग्रेड करने के बाद आप आ जाइए पॉइजन स्पेल पर। जी हाँ, पॉइजन स्पेल एक स्मॉल अपग्रेड है, तो पॉइजन स्पेल आप अपग्रेड कर लीजिए TH8 में ही, क्योंकि पॉइजन स्पेल बहुत ही काम में आता है। जो भी ओपोनेंट का RCC है, या फिर चाहे आप ट्रॉफी पुशिंग के लिए जा रहे हो तो नॉर्मल विलेज में जो भी CC है उन सभी को CC को मारने के लिए पॉइजन स्पेल बहुत ही ज़रूरी होता है। पॉइजन स्पेल की बात आप आ जाइए बारबेरियन पे। जी हाँ सॉरी, बारबेरियन आप अपग्रेड कर लीजिए बारबेरियन, क्योंकि किंग की एबिलिटी जब ऑन करेंगे आप लोग लेवल 10 तक तो किंग अपग्रेड हो ही जाएगा। तो किंग का जब एबिलिटी आप लोग ऑन करेंगे तब तो बारबेरियन का जो छोटा छोटा जो बारबेरियन निकलता है किंग से, तो वो सब अपग्रेड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बारबेरियन अपग्रेड करने के बाद आप आ जाइए आर्चर पर, क्योंकि आपका मैसिव ट्रूस अपग्रेड हो गया है अभी। ठीक है, तो अब आइए आर्चर पर। आप अगर चाहे तो आर्चर से पहले आप गॉबलिन भी अपग्रेड कर सकते हैं। गॉबलिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लूट में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। लूट का जो भी वीडियो है, कैसा लूट आप जल्दी मिलेगा, कैसे लूट किया जाए, तो उसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी। पहले TH8 का थोड़ा बहुत 2-4 वीडियो हो जाए, लोगों का हेल्प हो जाए, तो उसके बाद आएगा। तो गॉबलिन या आर्चर आपका जो मर्जी है वो आप पहले अपग्रेड कर लीजिए, उसके बाद आइए अर्थक्वेक स्पेल पर। देखिए, अर्थक्वेक स्पेल उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अपग्रेड करना, ठीक है, लेकिन फिर भी आ जाइए, क्योंकि अर्थक्वेक स्पेल काम में आता है। जब भी वार अटैक बताऊंगा तब आप देख लेना अर्थक्वेक स्पेल कैसा किधर काम में आता है। तो अर्थक्वेक के बाद आप आइए हीलर पर। जी हाँ, आप चाहे तो हीलर कर सकते हैं, या फिर चाहे तो जो है मिनियन उसको भी कर सकते हैं, लेकिन आप हीलर कर सकते हैं पहले, तो हीलर ही कर लीजिए। हीलर अपग्रेड करने के बाद आप आइए मिनियन पर। मिनियन उतना ज़्यादा TH8 में नहीं होता है, लेकिन फिर भी मिनियन आप कर सकते हैं नॉर्मल ट्रॉफी पुशिंग के लिए, या फिर नॉर्मल डार्क लूट के लिए मिनियन एंड लून का कॉम्बिनेशन काम में आता है। तो ऐसा भी है TH8 का एक छोटा सा ट्रूप्स अपग्रेड के बारे में वीडियो। तो और भी अगर आपको TH8 के बारे में कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और किसी भी फ्रेंड जो TH8 में नया आया है और कंफ्यूज है कि कौन सा अपग्रेड पहले करे या बाद में करे, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, और अगर हेल्पफुल रहे तो ज़रूर एक लाइक बटन को प्रेस कर देना। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए बाय, लव यू।